सबसे पहले एक अनाउंसमेंट मैं कर दूं, मेरा ग्रामर का बैच शुरू होने वाला है 16 जनवरी से, और ये यूट्यूब प्रीमियम में ये वाला पूरा वीडियो क्लासेस आपको नजर आएगी। और अगर आप लोगों को ये बैच ज्वाइन करना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 99 रुपीज है। तो ये अच्छा है इन द सेंस कि आपको लगता है कि ये वाला मेरा चैप्टर थोड़ा वीक है, तो आप 1 मंथ तक उस चैप्टर की क्लासेस आप देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि बस 1 मंथ काफी है तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने का, और इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। आपको जब जब लगे कि हाँ मुझे ग्रामर का बैच देखना है उस समय आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वो 1 मंथ तक रहेगा सब्सक्रिप्शन, उसके बाद खत्म हो जाएगा। फाइन। इस क्लास में 3 सेशन होंगे, और पहला जो सेशन होगा वो मर्ज कर दूंगी मैं कि किस तरह से हमें लिखना चाहिए पेपर 2 में, अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए पेपर 2। पेपर 1 अटेम्प्ट करने का वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी एक तरीका होता है कि एलिमिनेशन टेक्निक होना चाहिए। दूसरी चीज, एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा अटको मत। अगर आपको नहीं आता है तो आप दूसरे क्वेश्चन पे प्रोसीड करो और फिर यू गो बैक टू दैट क्वेश्चन, ठीक है, बाद में। तो इस तरह से एक तरीका होता है पेपर 1 का। पेपर 2 का भी अपना एक तरीका होता है उसको अटेम्प्ट करने का, वो हम बात करेंगे। किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना चाहिए उसके बारे में बात करना है। और जो लास्ट सेशन होगा, आई मीन सेकेंड सेशन, 2 सेशन होगा। फर्स्ट सेशन हाउ टू अटेम्प्ट एंड किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, और दूसरा जो सेशन होगा किस तरह से किसी भी क्वेश्चन के अगर आपको कंटेंट चाहिए तो उसका गूगल में कैसे सर्च करना चाहिए, वो चीज मुझे इस क्लास में बतानी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और ये बुक की पीडीएफ मांगी है, तो ये हार्ड कॉपी आप लोगों के घर पहुंच ही रही है, ठीक है। जिसने भी एनरोल करवाया है सबने अपना एड्रेस दिया ही है, सबके पास इस बुक की हार्ड कॉपी पहुंच जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा मगर पहुंच जाएगी। अब स्टूडेंट्स, पेपर 2 को अटेम्प्ट कैसा करना चाहिए, तो जो लास्ट क्लास था उसमें मैंने आप लोगों को स्पेसिमेन कॉपी दिखाई थी, ठीक है। तो उस स्पेसिमेन कॉपी में आप लोग देख पा रहे थे कि इस तरह से मार्जिन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्जिन है, आप लोगों को आंसर लिखना है। फाइन, ओके। तो ये आपको बुकलेट मिलेगा, क्वेश्चन का आंसर बुकलेट, उसमें आप लोगों को आंसर लिखना है। कैसे आंसर लिखना है, कंटेंट के बारे में मैं अभी बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, लिखना कैसे है वो हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों की प्रैक्टिस छूट चुकी है लिखने की, मेरी खुद की भी प्रैक्टिस छूट चुकी है लिखने की, ठीक है। टाइप करने अब ज्यादा उंगलियां चलती है, टाइप करते हैं लैपटॉप में मोबाइल में, तो प्रैक्टिस नहीं है हमारे लिखने की। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। तो किस तरह से लिखना चाहिए वो हम बात कर रहे हैं इसमें। देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ। नो मैटर हाउ वेल यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, आप पूरा 2 साल तक एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, सारा कंटेंट वंटेंट अपने दिमाग में रेडी रखो, मगर यदि आपने आंसर्स को एग्जामिनर के सेटिस्फेक्शन तक में आपने नहीं प्रेजेंट किया है तो आपका सारा हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं कंटेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं जो आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है उसके फिजिकल अपियरेंस की बात कर रही हूँ, ओके। जैसे आप लोग खुद देखो, हम लोग जब किसी से मिलते हैं, एक स्ट्रेंजर है उससे भी हम मिले, अगर वो बहुत अनटाइडी है, अनकेम्प्ट लुक है, और मतलब कोई कोई ड्रंक भी होता है, नशे में भी हो रहा है। जब मैं चाणक्य में थी तो स्टूडेंट कुछ कुछ ड्रिंक करके भी आते थे, वो पता चल जाता था देखने से, ठीक है। तो हमारा हम नहीं हमने उससे बात नहीं की, हम उसको जानते नहीं है, मगर एक जो फिजिकल अपियरेंस है
ठीक है, उससे ही हम लोग को बहुत कुछ पता चल गया, उसका पर्सनालिटी पता चल गया। ठीक है, तो कोई कोई फिजिकल अपीयरेंस ऐसा होता है, मैं ब्यूटीफुल की बात नहीं कर रही हूँ, एक अट्रैक्टिव, एक ऑरा होता है, ठीक है, जो हमें अट्रैक्ट करता है, कोई कोई का ऐसा होता है, और कोई कोई का ऐसा होता है जो हमें रिपेल करता है, हमें दूर भगाता है। वैसे ही स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का फिजिकल अपीयरेंस, मतलब एग्जामिनर जैसे ही आपका आंसर बुकलेट खोले तो उसके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, उसने अभी आपका कंटेंट नहीं, म्यूट कर लेना, उसने अभी तक आपका कंटेंट नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ एक ग्लांस दिया है जैसे ही उसने अपनी आपकी बुकलेट खोली है तो। ठीक है, तो तब उसका क्या फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है, हमें उसके बारे में बात करनी है, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, तो आपके आंसर बुकलेट का फिजिकल अपीयरेंस इस तरह से होना चाहिए कि वो एग्जामिनर फ्रेंडली लगे। ओके, जैसे कोई कोई ऐसे गैजेट होते हैं जिसके लिए लिखा रहता है कंज्यूमर फ्रेंडली, यानी उस गैजेट को आराम से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ना एक कोकोनट कटर खरीदा, थोड़ा सा अलग लगा, नाइफ जैसे होता है मगर अलग तरीके का कोकोनट कटर था, तो उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि किस तरह से कोकोनट को हम लोग काट सकते हैं उस कोकोनट कटर से, मगर मैं यूज ही नहीं कर पा रही हूँ इसको, इंस्ट्रक्शन भी पढ़ रही हूँ यूज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो गैजेट जो है वो कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है। ओके, कोई कोई ऐसे टॉयज होते हैं वो चिल्ड्रन फ्रेंडली होते हैं, कोई कोई टॉयज होते हैं जो बच्चों के लिए डेंजरस होते हैं, उसको निगल सकते हैं, राइट? तो वैसे ही आपके जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है वो एग्जामिनर फ्रेंडली होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब वो आपका आंसर्स का इवैल्यूएशन करे, चाहे आपने कंटेंट बहुत बेकार लिखा हो या अच्छा लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर इवैल्यूएशन के दौरान वो इवैल्यूएशन जो है वो स्मूथ होना चाहिए, इजी होना चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए। मैंने जब भी मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही थी, इस लास्ट ईयर मैंने नहीं किया था, मगर उसके पहले और पहले जब भी मैंने लॉन्च किया है तो मेरे पास आंसर स्क्रिप्ट आते हैं। ठीक है, किसी 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 कैंडिडेट को 14 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, वो 14 15 मार्क्स देने के लिए भी मुझे उस आंसर स्क्रिप्ट में 2 घंटा लगता था, 14 15 देने के लिए। क्यों? क्योंकि राइटिंग खराब, इतनी खराब है, कोई कोई राइटिंग, अब सपोज मुझे लिखना है CAPF, तो मैं, इतनी खराब है राइटिंग, मतलब पूरी की पूरी सारे लेटर्स सोए हुए हैं, इतना डर्टी, पूरा कट कुट, समझ ही नहीं आ रहा, वो ऊपर से स्क्रीन में देखकर करना है, वो 14 15 मार्क्स देने के लिए मुझे 2 घंटे, मतलब एकदम मैं फ्राउन करने लग गई, एकदम टेंशन होने लगा, स्ट्रेस में आती हूँ मैं इस तरह के आंसर स्क्रिप्ट देखती हूँ। हाँ, किसी किसी आंसर स्क्रिप्ट में 14 15 आ रहे हैं, मगर बहुत आराम से इवैल्यूएशन हो रहा है, क्योंकि राइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत नीट है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 70 75 भी आ रहे हैं, 80 भी आ रहे हैं, मगर टाइडी नहीं है आंसर्स, नीट नहीं है। ठीक है, तो हर तरीके के हैं, मगर आप चाहे कैसा भी लिखो स्टूडेंट्स, आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जब आंसर बुकलेट खोले तो एग्जामिनर एक बार को खुश हो जाए देखकर, बाद में पता नहीं क्या होगा, मगर एक बार तो खुश हो जाए। ठीक है, और उसको देखकर, उसको आंसर स्क्रिप्ट देखकर लगे कि ये बच्चा है ना बहुत सीरियस है इस एग्जाम के लिए। अगर कोई सीरियस है मगर वो अपने आंसर स्क्रिप्ट के जरिए नहीं दिखा रहा है, जैसे मैं जब नेट का एग्जाम दिया था, मैंने एक, वो ही एक एग्जाम था जिसको मैंने बहुत बार दिया था, तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई थी, तो जो जब मैंने फर्स्ट, मुझे कोई गाइड करने वाला इस तरह का नहीं था, ठीक है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया था तो कोई टीचर भी नहीं था, उस समय यूट्यूब भी नहीं हुआ करते थे, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने इतना बेकार लिखा था, इतने ऐसे भी राइटिंग पुअर, और ऊपर से बहुत अनटाइडी वे में लिखा था। बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, एकदम नीट एंड टाइडी लिखो। अगर आपके आंसर्स पढ़ के एग्जामिनर के, मतलब उसको स्ट्रेस हो रहा है ना, तब तो सी, वो एक ह्यूमन बीइंग, एक टेंडेंसी होती है, अच्छा ये मुझे परेशान कर रहा तो मैं भी इसको परेशान करूं, ये एक टेंडेंसी होती है, तो वहां पर एग्जामिनर के, जब हम सब्जेक्टिव पेपर का आंसर्स करेक्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो हमारे पास कुछ लिबर्टी होती है, एक्स्ट्रा मार्क्स देने की, एक्स्ट्रा मार्क्स लेने की। ओके, तो इस तरह से आप मार्क्स लूज कर सकते हो।
मगर यदि आपके आंसर्स विजुअली अपीलिंग, आप देख लीजिए कंटेंट के बारे में बात नहीं हो रही, विजुअली अपीलिंग ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने की जरूरत है, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्क्स दे देगा आपको, ग्रेस मार्क्स जिसको कहते हैं ना, वो ऐसे ही दे देगा खुश होकर। अच्छा, तो वो क्या टिप्स है वो अब हम पढ़ते हैं, एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर स्क्रिप्ट के लिए। और ऐसे आंसर स्क्रिप्ट में ना, इट विल एड स्पार्क टू योर आंसर एंड इम्प्रेस द एग्जामिनर। ठीक है, बिफोर अटेम्प्टिंग टू राइट द आंसर्स, सबसे पहली चीज है जो मैंने फर्स्ट सेशन में बताई थी, आई मीन लास्ट क्लास में, रीड एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो फ्रंट पेज में दिया है वो वाला ठीक है, और उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। अगर लिखा हुआ है कि मार्जिन के यहाँ पर नहीं लिखना है तो आप नहीं लिखोगे, मैम मैंने तो सिर्फ ई ही लिखा है, मैंने तो सिर्फ एच ही लिखा है, सिर्फ वाई लिखा है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, नहीं ये काम नहीं करोगे, नहीं लिखना है मतलब नहीं लिखना है। इफ द एग्जामिनर ऑब्जर्व दैट यू हैवंट फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस व्हाइल राइटिंग द आंसर्स, यू विल डेफिनेटली एंड अप लूजिंग मार्क्स, क्योंकि उस क्वेश्चन का आंसर बुकलेट में लिखा था कि इफ यू डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन यू विल फेस पेनल्टी, लिखा हुआ है ठीक है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर को तो यहाँ पर वो मार्क्स नहीं देगा आपको। इंस्ट्रक्शन डिटेल्स आर गिवन इन द अपेंडिक्स सी, इस बुक में, ये जो बुक है जिसकी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी, अगर आप अपेंडिक्स सी देखोगे तो पूरा इंस्ट्रक्शन डिटेल्स दिया हुआ है, फाइन इट, और वो सेम क्वेश्चन का आंसर बुकलेट आपको मिलेंगे, मैंने क्वेश्चन का आंसर बुकलेट के इंस्ट्रक्शन वाले पेजेस आपको मिलेंगे अपेंडिक्स सी में। इट कंटेन्स द फर्स्ट 4 पेजेस ऑफ द क्वेश्चन का आंसर बुकलेट दैट इज प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी फॉर सीएपीएफ पेपर 2 एग्जाम। अब लेंथ, द लेंथ ऑफ द आंसर्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। एक तो जनरल इंस्ट्रक्शन होता है हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है वो भी पढ़ा, डूज एंड डोंट्स होते हैं वो पढ़ा, फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन में एक तो मार्क्स लिखा रहता है कैसे लिखना है, जैसे प्रेसी का इंस्ट्रक्शन आप देखोगे, और साथ में वर्ड लिमिट लिखा रहता है, तो लिखा है कि वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। तो बोल रहा है 300 वर्ड्स में लिखो, तो हम एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए 500 वर्ड्स में लिख देंगे, तो एग्जामिनर इम्प्रेस नहीं हो रहा, व्हाट डिप्रेस हो रहा है, ये तो मेरा टाइम खा रहा है, मतलब कि मैं 200 एक्स्ट्रा वर्ड्स पढ़ूं इसके लिए, वो तो और मार्क्स नहीं देगा आपको, फाइन। मगर हाँ, आप 10 वर्ड और 10 वर्ड नीचे, 10 वर्ड ऊपर, 10-15 वर्ड्स में चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा सा आप खुद भी लॉजिक लगाओ, अगर आप एक क्वेश्चन में 350 वर्ड्स लिख दोगे तो ऑब्वियसली वो जो एक्स्ट्रा जो 20-30 वर्ड्स लिखे हैं उसमें जो टाइम गया है वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन में वो टाइम आप यूटिलाइज कर सकते थे जो कि इस क्वेश्चन में कंज्यूम किया, तो ऐसे आपका क्वेश्चन भी मिस होने के चांसेस रहते हैं। बट डू नॉट वेस्ट टाइम इन काउंटिंग द वर्ड्स, काउंट नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में ठीक है, वो इस अभी जो हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते वक्त खुद भी आइडिया हो जाएगा कि मेरी जो राइटिंग की साइज से कितना, कितने लाइंस में 300 वर्ड्स होते हैं या कितने पेजेस लगते हैं 300 वर्ड्स में। बस एक चीज ध्यान रखना, जो आप जो मुझे आंसर दिखाओगे वो A4 शीट में दिखाओगे, फाइन, तो A4 शीट में भी आप दोनों तरफ मार्जिन खींचोगे, जरूरी है क्योंकि मैं फीडबैक इस मार्जिन के अंदर दूंगी, आपके आपने जो लिखा उसके ऊपर तो नहीं दे सकती ना फीडबैक, तो मुझे तो प्रॉपर मार्जिन चाहिए इधर लिखने के लिए अच्छे से। यहाँ पर देखो ये आपकी A4 शीट है, फाइन, यहाँ पे मार्जिन देना आपको जरूरी है जब आप आंसर लिखोगे, और आपका आंसर यहाँ पर होगा, ये मार्जिन इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स क्योंकि मैं फीडबैक यहाँ पर दूंगी, तो मुझे आप स्पेस नहीं दोगे फीडबैक देने का तो कैसे काम चलेगा, फाइन। अच्छा, अब दूसरी चीज है, जो आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलता है जो यूपीएससी इश्यू करता है आपको, वो A4 शीट से थोड़ा बड़ा होता है, तो जब A4 शीट से बड़ा होगा आप एक ना प्रिंटआउट जरूर से निकलवा लेना, इस एक पेज का प्रिंटआउट आंसर शीट का ठीक है, इंस्ट्रक्शन वाला नहीं ठीक है, तो आप ना थोड़ा मेजरमेंट कर लेना कि अगर मार्जिन देकर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तब ये क्या A4 शीट वाला मेजरमेंट होता है कि नहीं, वो देख लेना, तो उससे आपको ना बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कितने आपकी जो राइटिंग साइज है उससे कितने पेजेस कंज्यूम हो जाते हैं 300 वर्ड्स लिखने में ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा केयरफुल रहोगे।
बट डू नॉट वेस्ट टाइम इन काउंटिंग द वर्ड्स. इफ द शीट इज A4 विद द मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स, इट इज एस्टिमेटेड दैट अराउंड 42-43 लाइंस कॉन्स्टिट्यूट 300 वर्ड्स. इफ योर हैंड राइटिंग इज नीदर टू स्मॉल नॉट टू लार्ज, टू पुट इट सिंपली 2 pages एंड अ क्वार्टर कॉन्स्टिट्यूट 300 वर्ड्स ऑफ एन एवरेज साइज राइटिंग. राइट. अच्छा, द यूपीएससी सीए पेपर टू आंसर स्क्रिप्ट्स हैव मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द पेज, डू नॉट राइट एनीथिंग इनसाइड द मार्जिन. वापस से वही सारे इंस्ट्रक्शंस मैं यहां पर दे रही हूं. योर आंसर्स मस्ट बी रिटन इन द स्पेस प्रोवाइडेड एंड नॉट आउटसाइड द स्पेस. इट इज नॉट नेसेसरी टू फिल द होल स्पेस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन के लिए यूपीएससी में 6 questions पूछे जाते हैं, 6 essay questions, दो रिपोर्ट क्वेश्चन और 10 questions और 2 argument questions. टोटल 10 questions हुए. हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको लिखने के लिए आपको 3 pages मिलेगा. हर एक क्वेश्चन में रिपोर्ट आपको 200 words में लिखना है, मगर तब भी आपको 3 pages मिलेंगे. वो एग्जामिनर देखता है ना कि आप कितना भर सकते हो आप. ओके. तो आपको 3 pages भी मिलेंगे, मगर आपको वर्ड लिमिट पे ध्यान देना. आपका ये नहीं ऑब्जेक्टिव रहेगा मुझे मुझे सारे जो भी पेजेस ब्लैंक है वो सारे मुझे फिल करना है. इट इज नॉट नेसेसरी टू फिल द होल स्पेस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन. यू शुड बॉदर अबाउट स्टिकिंग टू वर्ड लिमिट रादर देन फिलिंग द ब्लैंक पेजेस. आफ्टर राइटिंग द आंसर्स इफ सम ब्लैंक पेजेस आर लेफ्ट इट मस्ट बी स्ट्रक ऑफ डायगोनली. तो ये है, ठीक है, अगर ये ब्लैंक पेज है, अगर यहाँ तक आपने लिखा है ये खाली है, तो यहाँ पर एक मार्जिन दे दो. और यहाँ पर मार्जिन प्लीज जो वर्टिकल मार्जिन है उसके अंदर नहीं देना, ये हॉरिजॉन्टल मार्जिन है. ठीक है. हाँ, इफ रिटन समथिंग रॉन्ग स्ट्राइक इट ऑफ विद अ सिंगल लाइन. कुछ लिखा है गलत तो बस ऐसे करके ऐसे कर दो. 4 blank pages towards the end of the answer script are devoted to rough work. Rough work के लिए pages है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था. चाहे rough work करो ना करो, वो अगर blank है या कुछ लिखा हुआ है उसको strike off करो. Scribbling, scratching ये सब कुछ मत करना, ठीक है. If you want to underline some important points, मैं तो कहती हूँ pencil से underline करो, pen से मत करना. और कभी भी जैसे आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट में जो मैं फॉर्मेट देती हूँ वो इंट्रो होता है, लास्ट में कंक्लूजन होता है, फिर फॉरेन रूल. तो इंट्रो और कंक्लूजन है ना, तो इंट्रो में आपने कुछ लिखा और कंक्लूजन में भी आपने कुछ लिखा, तो कभी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को, कंक्लूजन के कंटेंट को अंडरलाइन नहीं करना चाहिए. वैसे ही ऐसे है, ऐसे इंट्रो होगा, मेन बॉडी होगी और कंक्लूजन होगा. तो इंट्रो का जो कंटेंट होगा ना उसको कभी अंडरलाइन नहीं करना चाहिए और कंक्लूजन का भी नहीं. वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, वो तो एग्जामिनर देखेगा ही देखेगा, ठीक है. तो इसीलिए इंट्रो कंक्लूजन कभी अंडरलाइन मत करना, मेन बॉडी में आप जरूर अंडरलाइन कर सकते हो. और आंसर्स को लेजिबल राइटिंग में लिखना है, और ये लेजिबल राइटिंग थ्रू आउट योर पेपर 3 घंटे तक वो लेजिबल राइटिंग होनी चाहिए. मेरा एक्सपीरियंस, हर स्टूडेंट का एक्सपीरियंस होता है कि शुरुआत में तो सुंदर सुंदर लिखते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है. शुरुआत में तो बड़ा अच्छा अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, और फिर बाय द टाइम आधा 1 घंटा बाकी रहता है, राइटिंग खराब होना शुरू होती है. मगर जब आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. और इसीलिए मैं कहती हूँ कि अभी से लिखना शुरू कर दो, देख देख कर लिखो, सुन सुन के लिखो, मगर लिखना शुरू कर दो, बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर ऐसे आप लिखोगे तो राइटिंग खराब तो होती है मगर बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी, वो रीडेबल रहेगी. अच्छा, राइटिंग अभी तो जैसे मैं आप लोगों का, जब मैं आंसर स्क्रिप्ट आप लोगों का इवेलुएट करूंगी तो मैं राइटिंग पर भी फीडबैक दूंगी, मगर फिलहाल के लिए आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम कहाँ है. जैसे जब मैं स्कूल में थी तो मेरे टीचर्स, मेरी राइटिंग हमेशा से पुअर है और अभी भी पुअर ही है, मगर मैंने ये बस कोशिश की थी कि चाहे मैं राइटिंग कितने भी गंदी दिखे देखने में, मगर ना पढ़ने में आनी चाहिए. ये मेरे 10th के टीचर्स ने भी कहा था और 12th के टीचर्स ने भी कहा था कि तुम्हारा ना ये जो तुम इतना पढ़ती हो ना उससे कुछ नहीं होने वाला है, एग्जामिनर कोई नहीं समझ में आएगा क्या लिखा है, तो फिर क्या फायदा. तो ये चीज एकदम मेरे दिमाग में बैठ गई. फिर गंदा तो अभी भी है मगर अब वो
पढ़ने में आता है, फाइन। तो राइटिंग ब्यूटीफुल हो, अगली हो, कैसी भी हो, मगर मगर पढ़ने में आनी चाहिए, फाइन। तो उसके लिए कुछ टिप्स है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक तो पहली चीज, यूपीएससी जो आंसर स्क्रिप्ट देता है वो प्लेन होता है, तो आपको इसमें लाइंस नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप लोग जब राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो हमेशा प्लेन में दे करोगे। मेरे को आंसर्स देते हो तो वो भी प्लेन में करोगे, दोगे, कोई मुझे रूल्ड में नहीं देगा, ठीक है। तो जब आप लोग लिखते हो तो आप लोगों को गैप देना है दो लाइंस के बीच में। राइटिंग क्यों मतलब पढ़ने में नहीं आती है, या बहुत मैसी लुक, घुसपुस टाइप का लुक क्यों देता है? क्योंकि जब हम लिखते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक है, हमने लिखा कुछ यहाँ पर लिखा, और फिर एकदम बिना गैप दिए, मतलब एकदम सटा सटा के हमने यहाँ पर भी लिख दिया, मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है कि आप ही का पैसा लग रहा है ना। हमने पेजेस ज्यादा वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और वो ही चीज अगर आप गैप दे देकर लिखोगे, दो लाइंस के बीच में गैप, तो आपको इतना ज्यादा गैप दे दिया मगर, तो इससे क्या होगा, मतलब कि पढ़ने में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर संस्कृति का बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि वो लास्ट ईयर भी राइटिंग सेक्शन बैच में थी और ग्रामर के बैच में भी थी, तो इसकी राइटिंग से मैं बहुत वाकिफ हूँ। मुझे अगर ऐसे भी इसकी दिख जाए ना, इसका पेपर नाम नहीं लिखा हो, तो मुझे पता ही संस्कृति की है। हाईली इम्प्रेसिव, बहुत नीट और टाइडी। आप भी जब आंसर स्क्रिप्ट संस्कृति पोस्ट करेगी टेलीग्राम में, तो आप देखना, बहुत नीट है, ठीक है। कंटेंट की बात नहीं हो रही है, मगर नीट है। तो अगर सपोज संस्कृति ने संस्कृति का आंसर स्क्रिप्ट एग्जामिनर ने एक बार खोला, तो वो एक बार को तो स्माइल करेगा ना, बच्चे में कुछ दम है। बात की बात है कि वो जब पढ़े तो क्या मिले, ठीक है। तो हाँ, बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, सीरियस है, ये सब चीज एक इम्प्रेशन आएगा, ठीक है। तो खराब भी राइटिंग हो, और अगर आपकी राइटिंग खराब है स्टूडेंट्स, तो आपको ये चीज फॉलो करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दो लाइंस के बीच में गैप देना जरूरी है, बहुत ज्यादा गैप नहीं दोगे, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हैव द टेंडेंसी टू स्पेस द टू कंसेक्यूटिव लाइंस वेरी क्लोज टू ईच अदर, एकदम क्लोज, ऐसे ऐसे, दिस विल मेक योर आंसर लुक शैबी, गंदा गंदा लगेगा। अच्छा, अब दो लाइंस के बीच में गैप हो गया, अब दो वर्ड्स के बीच में भी गैप देना है, ठीक है। अगर मुझे राइटिंग टिप्स लिखना है, तो मैं राइटिंग टिप्स लिख रही हूँ, मैंने ऐसे भी देखे हुए हैं, ठीक है। और ये कुछ ज्यादा ही हो गया क्लोज, ऐसा भी देखा है और ऐसा भी देखा है, ये भी बहुत क्लोज है, क्यों इतना क्लोज, ठीक है। तो दो एक रीजनेबल गैप तो रखो, अब ये नहीं बहुत ज्यादा गैप रखोगे। द स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स शुड नीदर बी टू क्लोज नॉर टू फार। इफ द वर्ड्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, एग्जामिनर विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड सच ओवरलैप्ड वर्ड्स, दिस मे कॉज फॉल इन योर स्कोर, ठीक है। ये एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। लीव सम गैप बिटवीन टू, अब देखिए, दो लाइंस के बीच में गैप दो, दो वर्ड्स के बीच में गैप दो, और दो पैराग्राफ्स में, कम से कम पता तो चले कि हाँ पैराग्राफ चेंज किया गया है, फाइन। तो जैसे स्टूडेंट्स ये है ना, आपने लिखा 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 और आपका खत्म हो गया यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप, तो गैप दो स्टूडेंट्स, गैप, पता चले कि दो, अब ये दो डिस्टिंक्ट पैरा है, सेपरेट पैरा है, वो पता चले, ओके। अब हम दो लाइंस के बीच में गैप, दो वर्ड्स के बीच में गैप, और दो पैराग्राफ के बीच में गैप, फाइन। अब हम बात करते हैं वर्ड्स में जो लेटर्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मेरी राइटिंग जो है वो हमेशा से खराब रही है, और मैंने अपनी राइटिंग पे बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि हमेशा से मुझे ये वार्निंग मिलती रही थी टीचर से, फाइन, कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होने वाला अगर एग्जामिनर को नहीं समझ में आए। तो उससे जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, मैंने इनफैक्ट हैंडराइटिंग एनालिसिस के बुक भी पढ़ी थी, जिससे मेरी राइटिंग में थोड़ा सुधार आया था, मेरी पर्सनालिटी ट्रेट में भी थोड़ा सा, मैं कहूंगी कि जैसे मैं थोड़ी एग्रेसिव थी,
शॉर्ट टेम्पर थी, तो उसमें भी मेरा बहुत ज्यादा मैं थोड़ी मेलो डाउन हो गई, थोड़ी सॉफ्ट हो गई। तो राइटिंग से भी ना आप लोगों की ना पर्सनालिटी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट होती है। ओके okay? तो कुछ पर्सनालिटी ट्रेट मुझे अभी भी याद है, वो मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। लेटर्स का बता देती हूँ पहले। जैसे कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में बता रही हूँ, जैसे ऐसे लिखे, ये बी है, ये खुला हुआ है ना, ठीक है। ओ लिखे, ये खुला हुआ है ना, फाइन। तो जब भी लेटर्स में इस तरह से आपके ओपनिंग रहती है तो आप समझ जाओ वो बहुत टॉकेटिव होता है, और मैं बहुत टॉकेटिव हुआ करती थी, ठीक है। तो अब इतना भी बोलना अच्छा नहीं है, फाइन, बहुत हर्टफुल हो जाता है जब कोई ज्यादा बोलता है तो हर्ट करने का इंटेंशन नहीं रहता, मगर जब हम ज्यादा बोलते हैं हर्ट करने का इंटेंशन है। तो फिर मैं इंटेंशनली कॉन्शियसली मैंने ट्राई किया कि मेरे कोई भी लेटर्स में ओपनिंग ना हो, कोई भी लेटर्स नहीं। तो ऑब्वियसली ये धीरे धीरे मेरे पर्सनालिटी ट्रेट्स में आने लग गया, मैं कम बोलना मैंने शुरू कर दिया, मगर ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस था, बहुत ग्रेजुअल, मगर मैंने सुधार इससे लेकर आई हूँ, ठीक है। तो ऐसे कई पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं और जो आपके राइटिंग से रिफ्लेक्ट होते हैं। अब किस तरह से आपको अच्छी राइटिंग में कैसे लिखना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर एक कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनके तीन जोन्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कैलीग्राफी जो होती है, एक सेकेंड, जैसे मैं ये लाइन खींच रही हूँ, फाइन, तीन जोन्स होते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ इसमें, ऐसे। अब मैंने सपोज लिखा एफ, ठीक है। अब ये एफ का मतलब ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अब मैंने लिखा एफ, अब ये सही है, फाइन। ये सही है, ये एफ है। अब लेटर्स के तीन जोन्स होते हैं, किसी किसी के तीन जोन्स होते हैं, किसी किसी लेटर के एक ही जोन्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा सी। किसी किसी लेटर्स के दो जोन्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा बी, फाइन। तो अब जैसे ये जो है ऊपर वाला हिस्सा, ये इसको कहते हैं अपर जोन, ये वाला जो हिस्सा है स्टूडेंट्स इसको कहते हैं लोअर जोन, और ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी, इसको कहते हैं मिडिल जोन, और ये वाला हिस्सा है जिसको कहते हैं लोअर जोन, फाइन। अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन, इससे भी पर्सनालिटी ट्रेट्स रिफ्लेक्ट होती है। जिसका अपर जोन, आप कुछ कुछ राइटिंग में देखोगे अपर जोन बहुत डोमिनेंट होता है, बहुत डोमिनेंट, मतलब पूरा लिमिट क्रॉस कर देता है, ऐसा होता है अपर जोन किसी किसी का। तो बहुत हॉटी होता है, बहुत स्नॉबिश टाइप का होता है, बहुत घमंडी टाइप का होता है, ठीक है, जिसके अपर जोन बहुत ही ज्यादा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे होते हैं, फाइन। जिसके लोअर जोन बहुत मतलब लिमिट क्रॉस करते हैं, वो कैरेक्टर से थोड़ा सा ऐसा होता है, फाइन। और जिसके ये कुछ कुछ के ना राइटिंग में ना मिडिल जोन, तो वो बहुत खाने पीने वाला, मतलब खाने पीने का शौक रखने वाला होता है, ठीक है। ये तो अगर आपका बहुत सिमेट्रिकल है, बहुत मतलब तीनों जोन में आपने बैलेंस करके रखा है, तो एक बैलेंस पर्सनालिटी होती है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है इस तरह से, फाइन। तो ये सब ट्रेट्स हैं। एनीवेज, अब स्टूडेंट्स, जैसे इसका एक जोन है, इसके दो जोन है। अब जब हम कहते हैं कि आपकी राइटिंग लेजिबल नहीं है, तो क्या रीजन है? रीजन ये होता है राइटिंग नहीं लेजिबल होने का कि कोई कोई क्या करते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन सबको मर्ज कर देते हैं। किसी किसी की राइटिंग ऐसी होती है, किसी किसी की राइटिंग में क्या होता है कि ये मैं एफ लिखा है, ऊपर का जोन ही हट गया, या हल्का सा ऐसे है, ठीक है। ये मैंने बी लिखा है, तो अपर जोन और मिडिल जोन को मर्ज कर देते हैं। कोई कोई क्या करते हैं,
ऐसे नहीं, ये एफ लिखा हुआ है। मिडिल जोन और लोअर जोन को मर्ज कर देते हैं। और किसी किसी की राइटिंग में क्या होता है कि मिडिल जोन बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो हम लोग कहते हैं बड़ा गोल गोल लिखा हुआ है, गोल मटोल राइटिंग है, खाने पीने का शौक रखने वाले हैं ऐसे लोग, ठीक है, बहुत मतलब इस तरह से लिखते हैं। और फिर मैंने आपको बोला लेटर्स खुले हुए रहते हैं, तो लेटर्स खुले रहेंगे तो आप सपोज मुझे ओ लिखना और मैंने लेटर्स खोल दिया तो ये सी लिखा हुआ है, कोई कोई का ऐसे लेटर्स ओपन रहते हैं, ये सी लग रहा है, फाइन। तो ये वाली एक प्रॉब्लम होती है। तो आपको खुद को एनालाइज करना है कि आपके राइटिंग में, आपके लेटर्स में क्या चीज, जो जोन्स है कैसे मर्ज हो रहे हैं, क्या कोई जोन एक्स्ट्रा प्रोमिनेंट है क्या, उसको ठीक करो, आपके पास बहुत टाइम है। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, मैं राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 9th से लेकर, अब तो मैंने छोड़ दिया है, मगर टिल पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया हुआ अपनी राइटिंग से, ठीक है। किसी टीचर को कोई प्रॉब्लम मेरी राइटिंग से, किसी लेटर से प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैंने एक एक सिंगल सिंगल लेटर पे मैंने कोशिश की है इम्प्रूव करने की। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों को बस टाइम है, आप आगे भी काम आएगा आप लोगों के। अब जैसे आर है, ये आर लिख, ये एक तरीका आर लिखने का है, और ये एक तरीका है, जो ये तरीका लिखता है, ये जो ये आर लिखता है वो कैसे लिखेगा, क्या समझे हम इससे? और जो ऐसे लिखेगा क्या समझे इससे? ये तो वी दिख रहा है, मतलब लेटर लिख रहे हो, जो लेटर आप लिखना चाह रहे हो वो लेटर मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे वो कुछ और नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत केयरफुल रहना है, अगर आप चाहते हो एग्जामिनर जब आपका पढ़े उसको एक एक लेटर, एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ समझ में आए, पढ़ने में आए, समझ में नहीं आए पढ़ने में आए, तो मतलब एक बहुत बड़ा ना ऑब्स्टेकल आपका ना पार आप कर लोगे। एग्जामिनर आपका कुछ नहीं लगता है, अरे अच्छा क्या लिखा है, जरा पढ़ू, अच्छा मैं वापस से पढ़ता हूँ क्या लिखा है, नहीं वो नहीं पढ़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द एग्जामिनर दैट ही विल गो बैक टू दैट सेम लाइन एंड ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू दैट लाइन कि देखो बंदे ने क्या लिखा है, नहीं बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा, हटता हूँ, उसके बाद इतनी सारी आंसर सिर्फ एवेलुएट करने के लिए वो आपका ही करेगा क्या, टाइम देगा नहीं। तो ये चीज आप लोगों को देखनी है स्टूडेंट्स, लेटर्स, एक एक लेटर आपके विजिबल होने चाहिए। तो ईच लेटर ऑफ द वर्ड्स हैज थ्री डिस्टिंक्ट जोन, दीज आर अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन। फॉर इंस्टेंस द लेटर जे हैज थ्री जोन, नेम द डॉट ऑफ द लेटर जे, है ना, जैसे जे लिखा तो जे का डॉट ये एक अपर जोन हुआ, ठीक है, और जे बिलोंग्स टू लोअर जोन। और किसी किसी लेटर में जी है जिसका दो जोन होता है ना, मिडिल जोन और लोअर जोन, म्यूट कर लेना। द लेटर आर हैज ओनली मिडिल जोन, लेटर आर हैज ओनली मिडिल जोन। व्हाइल राइटिंग यू मस्ट सी टू इट दैट ऑल द जोन्स ऑफ योर लेटर आर डिस्टिंक्ट एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। इफ इन योर राइटिंग एनी ऑफ द जोन्स इज ईदर टू शॉर्टेंड और टू इलॉन्गेटेड, देन एग्जामिनर विल फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन, ठीक है। मैं एक बार, मेरे पास संस्कृति का पेपर है तो मैं एक बार वो दिखा दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं क्यों इस राइटिंग की मैं तारीफ कर रही हूं। आप लोग को नजर आ रहा है, ठीक है, ये ग्रामर का है, टेस्ट अभी चल रहा है ग्रामर के बैच का, तो आप देखिए ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, दोनों के बीच में गैप है, दो लाइंस के बीच में गैप है, वर्ड्स के बीच में गैप है। मतलब मैं जब संस्कृति का पेपर इवैल्यूएट करती हूँ तो मुझे ना एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होती, मेरा इवैल्यूएशन बहुत स्मूथ होता है, बहुत इजी होता है। ये चीज आप लोगों को ना करनी है, ये एक किसी किसी की राइटिंग अच्छी ही होती है ना। अब जैसे मैं, मेरा क्या था, मेरी राइटिंग क्यों खराब है, वो मेरी मदर की वजह से, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, मैं लिखने के अलावा मैं सारा काम लेफ्ट से ही करती हूँ, ठीक है,
तो लेफ्ट हैंडेड हूँ, जबरदस्ती मुझे राइट से लिखवाना शुरू किया बचपन में, तो उसकी वजह से मेरी राइटिंग कभी सुधरी नहीं। ठीक है, एक नेचुरल होता है ना, इसकी राइटिंग जो है नेचुरल है मुझे लगता है। ठीक है, कितना नीट है, हम देखिए, और लेटर्स देखिए। ठीक है, इसके अगर आप लोअर जोन में, आपको इसका ना बता दूं एक चीज, इसकी राइटिंग में अगर आप इसका अपर जोन देखोगे ना, ये थोड़ा थोड़ा मर्ज होने की कोशिश कर रहा है मिडिल जोन से, देख रहे हो? अपर जोन है जो थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं है। अगर ये बहुत जल्दी जल्दी लिखेगी ना, तो इसका अपर जोन और मिडिल जोन मर्ज हो सकता है। भाई देखिए, ये क्वेश्चन था ग्रामर का, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन एंड मेक अ सेंटेंस यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड, प्रोड्यूस नाउन प्रोडक्शन अ सेंटेंस, रिफ्यूज नाउन रिफ्यूज सेंटेंस, ये तरीका है लिखने का। एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ इन योर राइटिंग एनी ऑफ द जोन इज ईदर टू शॉर्टेंड और टू इलॉन्गेटेड, then examiner will find it hard to understand what you are writing, है ना? अच्छा, आई को डॉट करना, टी को बार देना, ये मत भूलना। कोई कोई टी को बार ऐसे देता है, ठीक है, कोई कोई बार ऐसे देता है, फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है, ये है स्लैंटेड राइटिंग। ठीक है, अब ये स्लैंटेड राइटिंग का भी मैं आपको बता दूं, इसका भी एक चक्कर है। अब स्टूडेंट्स, राइटिंग जब हमें प्लेन शीट मिलता है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब हम लिखते हैं प्लेन शीट में, तो या तो हमारी राइटिंग ऐसे ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है, या आप लोग खुद देखना, या राइटिंग ऐसे ऐसे नीचे जाती है, एक ये है, ऐसा भी होता है। ऊपर जा रही इतनी ऊपर सही नहीं है, ठीक है, इतना तो फिर भी ठीक है, और ऊपर जाना है ना, अगर हैंडराइटिंग एनालिसिस की बात करूँ तो अच्छी बात है। जैसे आप सिग्नेचर भी कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं जो सिग्नेचर करती हूँ, मेरा सिग्नेचर हमेशा ऊपर जाता है, ये अच्छी बात है, हम अपनी लाइफ में भी ऊपर ही जाएंगे, फाइनली भी ऊपर ही जाना है, मगर ये है कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो अच्छी बात है। और जैसे आप अगला सिग्नेचर करोगे, अगर ये नीचे जा रहा है ना, तो दिस इज नॉट गुड। वैसे ही जब आप लिखते हो, प्लेन शीट जब आपको मिलता है, अगर आप खुद देखना, अगर आपकी राइटिंग ऐसे ऐसे नीचे जा रही है ना, तो अच्छी बात नहीं है, है ना? लाइंस नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं अच्छी बात है, मगर इतना ऊपर मत करना, ऐसे ऐसे मत करना, वो सही नहीं है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, लेटर स्लैंट होना। देखिए, जब हम लिखते हैं तो जैसे मैं लिख रही हूँ, वाइल राइटिंग, है ना, सी टू इट दैट द लेटर्स जोन डू नॉट मर्ज ओहो विद वन अनदर। ठीक है, अब देखो, मैंने लिखा, ये एक तो पहली चीज है, आप देखो दो वर्ड्स के बीच में गैप है। दूसरी चीज है, मेरी राइटिंग गंदी है, बहुत अगली है, मगर मेरी राइटिंग समझ में आ रही है। रीजन, क्योंकि एक एक जो अपर जोन, लोअर जोन, मिडिल जोन सारा नजर आ रहा है। ई है, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, वरना वो सी लगने लग जाएगा। फाइन, अच्छा, अब मैं स्लैंट की बात कर रही हूँ। अगर आप मेरी राइटिंग देखोगे तो मेरी राइटिंग जो है, कभी कभी यहाँ पर देखो, कभी लेफ्ट स्लैंट कर रहा है, ठीक है, और ज्यादातर मुझे लग रहा है लेफ्ट ही स्लैंट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये अब ऐसे अच्छी बात नहीं है। अनदर भी देखोगे लेफ्ट की तरफ स्लैंट कर रहा है, मगर ये अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि देखो अगर हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं तो हम लोगों से बातें करने में हिचकिचाएंगे, और हम थोड़ा पीछे जाते रहेंगे, है ना, कि नहीं पीछे की तरफ, वी विल पुश आवर सेल्फ बैकवर्ड, राइट? तो ये बैकवर्ड स्लैंट कर रहा है, तो लेफ्ट की तरफ स्लैंट करना अच्छी बात नहीं है, लेफ्ट वैसे भी अच्छा नहीं होता है, तो ये अच्छी बात नहीं है जो आपको मेरी राइटिंग में नजर आ रही है। अब दूसरी तरह की राइटिंग होती है जो
एक सेकंड, जो राइट की तरफ लैंड करती है, वो राइटिंग तो फिर भी सही है जो है ना, राइट की तरफ, वाइल राइटिंग, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है राइट की तरफ लैंड करने में, टू इट दैट द लेटर्स है ना, ये फिर भी ठीक है राइट की तरफ लैंड करना। बहुत कम की राइटिंग होगी जो आपको स्ट्रेट दिखेगी, जैसे ये आपको राइटिंग में ना कोई कोई राइटिंग ऐसी होगी जो लेफ्ट राइट स्ट्रेट सब जगह नजर आएगा, तो जैसे ये टू है, ये थोड़ा स्ट्रेट नजर आ रहा है। मगर एक चीज ध्यान रखना, राइटिंग अगर लेफ्ट की तरफ स्लैंट हो रही है ये अच्छा इंडिकेशन नहीं, दूसरा देखने में भी सुंदर नहीं लगता है, फाइन। तो आपको जब आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो राइटिंग आप लेफ्ट राइट की तरफ स्लैंट करने की कोशिश करो। और मैंने ये प्रैक्टिस की हुई है मगर मेरी लिखने की प्रैक्टिस छूट चुकी है, इसलिए अभी देखो वापस से लेफ्ट, क्योंकि बेसिकली इंट्रोवर्ट हूं मैं, ठीक है, मगर मैंने ना मतलब स्टैंडर्ड 10th से या 9th से मैंने ना राइटिंग में बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैंने राइटवर्ड स्लैंटिंग का एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। उसके बाद है ना कॉलेज वॉलेज चला गया, सब कुछ चला गया, अब राइटिंग ही छूट गई है ना लिखने की, तो इसीलिए मेरा वापस से, मैं अपने नेचुरल सेल्फ जो है ना उसमें मैं वापस से आ गई हूँ, मेरा लेफ्ट वर्ड स्लैंट हो रहा है, फाइन। मगर राइट वर्ड स्लैंट होना जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान देना है, और स्ट्रेट कोई नहीं लिख सकता है, फाइन। अब एक और प्रॉब्लम क्या होती है स्लैंटिंग में, स्लैंट तो होगा ही होगा, एक चीज ध्यान, स्ट्रेट नहीं लिख सकते हो आप। सिर्फ एक टीचर है मेरे कलीग अनुराग सर, उनकी राइटिंग जब हम देखते हैं तो हमें लगता है टाइप किया जा रहा है, फाइन। वो है ना एक एक्सेप्शनल केस है इस तरह के जो मिल जाते हैं, यूट्यूब में भी मैंने देखा है कुछ कुछ ऐसे राइटिंग के सैंपल्स जो है ना एकदम लगता है कि टाइप किया हुआ है, फाइन। अच्छा अब स्लैंट तो होगा ही आपका, इधर लेफ्ट इधर राइट, तो राइट की तरफ स्लैंट करना है, और कोई कोई लेटर लेफ्ट की तरफ स्लैंट हो रहे, कोई लेटर राइट की तरफ, तो कोशिश करो यूनिफॉर्म करने का, मगर होता नहीं है मगर कोशिश कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि राइटिंग जो है वो हेविली स्लैंटेड होती है टुवर्ड्स राइट, या हेविली स्लैंटेड होती है टुवर्ड्स लेफ्ट, और बिलीव करोगे मैंने ऐसी राइटिंग देखी है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ ऐसी राइटिंग, वाइल राइटिंग हेविली स्लैंटेड, मतलब पूरी राइटिंग सोई हुई, पूरा लेटर्स ही सोया हुआ है पेजेस में, पूरा लेटर्स। तो मुझे, मैंने ऐसा एक ही मुझे ऐसा आंसर स्क्रिप्ट मिला था जिसको मैंने 14-15 दिया था, मैंने नहीं दिया था, उसका आंसर ही इतना डिजर्व करता था पूरा का पूरा 200 में, वो 14-15 देने के लिए मुझे 2 घंटे लगे। क्यों, मैं ऐसे ही नहीं मार्क्स अवॉर्ड कर सकती हूँ ना, स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि इतना कैसे मिला भाई, तो मुझे तो एक एक चीज पढ़नी होगी। तो पूरी लेटर्स सोए हुए थे, पूरे लेटर्स, मतलब मुझे इतनी मेरी हालत खराब होगी उस राइटिंग को पढ़ते हुए, मगर एग्जामिनर वोंट फील ऑब्लिगेटेड टू नो टेक इतना स्ट्रेन, नहीं बोलेगा इतना से, नहीं समझना आगे बढ़ो, कौन इतना माथा खपाएगा इसमें, नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर आपकी राइटिंग हेविली स्लैंटेड है टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट तो सही नहीं है, वो नहीं समझ में आने वाली है। चलिए स्लैंटेड हैंडराइटिंग इज अनदर फैक्टर दैट मे रिड्यूस और इनहांस द लेजिबिलिटी ऑफ योर राइटिंग। राइटिंग इज यूजुअली स्लैंटेड एंड स्ट्रेट राइटिंग इज रेयरली फाउंड, बट द कैंडिडेट्स हुज राइटिंग इज स्लैंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट मस्ट प्रैक्टिस मेकिंग इट स्लैंट टुवर्ड्स राइट। राइट की तरफ स्लैंट करने की कोशिश करो। राइट फॉर स्लैंटिंग एक्सेप्टेबल बट इट शुड नॉट बी हेविली स्लैंटेड। ओके अच्छा, एम्पल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग इज रिक्वायर्ड, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि राइटिंग आपकी लेजिबल हो, स्पीड सही हो, और खुद आपको पता चले ना आपके कौन से ऐसे लेटर्स है जो नजर नहीं आ रहे हैं। मैं तो बताऊंगी बताऊंगी मगर आप खुद भी आप देखना। और डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, 10 मिनट देना है, या तो सुन सुन के लिखो या देख देख कर लिखो, A4 शीट में, प्लेन A4 शीट, और दोनों तरफ मार्जिन खींच के लिखोगे, एडिटोरियल कॉल पेज का कोई भी एडिटोरियल कॉलम ले लो और देख देख कर लिखो, ठीक है, इसका ना आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको सही बता रही हूँ, ठीक है। और जो गाइडलाइन दिया है लेजिबल राइटिंग का उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट जो है वो है पेन, ठीक है, पेन
2 एग्जाम के लिए आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू, किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो, जेल पैलेट। मगर आप सिर्फ वही पेन यूज करो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपको वो कन्वीनियंट लग रहा है यूज करने में, और आपको उससे आपकी राइटिंग स्पीड स्लो डाउन नहीं होती है, तो ये चीज आपको देखनी है। और जब आप पेन चूज कर लेते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप वही पेन यूज करो, ठीक है, टिल एग्जाम टाइम तो वही पेन यूज करो, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं फील करती हूँ, चाहे टैंजिबल ऑब्जेक्ट हो, इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट हो, लिविंग बीइंग्स हो, नॉन लिविंग बीइंग्स हो, हर में एक एनर्जी फ्लो होती है, हर एक में, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर बॉटल रखा हुआ है तो उसमें भी एक एनर्जी फ्लो हो रही है। तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि हम लोगों को कभी भी जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है या ना जो सांस नहीं लेता है ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसको ना कभी ठोकर नहीं मानना चाहिए, किसी भी चीज को ठोकर नहीं मानना चाहिए पैरों से, ठीक है। सब में एक एनर्जी फ्लो होती है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, है ना, सब कुछ भगवान ने बनाया है। हम बोलते नहीं, बॉटल तो हमने बनाया, मोबाइल भी हमने बनाया, मगर उसमें जो चीजें यूज हो रही है, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम अर्थ। ये सारा अर्थ का रिसोर्सेज है, और ये अर्थ किसने बनाया है, रिसोर्सेज, हवा, सब भगवान का है। तो पेन भी है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, उसमें भी एक एनर्जी फ्लो हो रही है। तो उसको एक अपना ना लॉयल कंपेनियन बना के रखो, अपना एक फ्रेंड बना के रखो, दोस्त बना के रखो उसको, उसको जस्ट बिफोर एग्जाम, मैं इसको आप सुपरस्टिशन कहो पता नहीं, मगर आई यूज टू टॉक टू माय पेन। मैं बोलती थी कि भाई मेरे को धोखा मत देना, मेरा पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म होना चाहिए, क्योंकि 4 क्वेश्चंस लिखना है, एक एक क्वेश्चन 15 15 मार्क्स का लिखना है, तो ना धोखा मत देना। और मैं अपने पेन से एकदम लॉयल रहती थी, मैं नहीं चेंज करती थी पेन टिल एग्जाम टाइम, ठीक है। उसके बाद कुछ नया, कुछ कंपनी का पेन दिखा तो वो मैंने यूज करने शुरू किया, अगर सही रहा तो फिर मैं उसको एग्जाम टाइम तक यूज करती, मैं उसी पेन से लिखती थी, खो गया तो मैं वापस से वही कंपनी का पेन लेती थी, ठीक है। ऐसा सोचना, आप जो भी एग्जाम में अपने साथ लेकर जा रहे हो, वाटर बॉटल लेकर जा रहे हो, पेन लेकर जा रहे हो, कुछ भी लेकर जा रहे हो, सब में एनर्जी फ्लो हो रही है, जहां पे आप बैठ रहे हो वहां पे भी एनर्जी फ्लो हो रही है। तो वी शुड रिस्पेक्ट, है ना, सभी चीज को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो आप पेन यूज कर रहे हो, बी लॉयल टू दैट पेन, वो पेन भी आपको लॉयल कंपेनियन बन के रहेगा, ठीक है। एक बार अच्छे से सिलेक्ट कर लो पेन, और ऐसा पेन सिलेक्ट करना जिसकी ग्रिप हार्ड हो। जैसे आप जब एग्जाम दोगे, अगस्त में थोड़ा ह्यूमिड वेदर होता है तो ना पसीने बहुत आते हैं उंगलियों में, तो आपको वो सब चीज भी देखनी है, ठीक है, कि ना वो फिर ना वो फिसलने लगता है। दूसरी चीज देखनी है कि जो शेड है इंक का वो डार्क होना चाहिए, और ना वो जल्दी से ड्राई भी हो जाना चाहिए। अब क्या होता है, जैसे हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो हम उंगली से लिख रहे हैं, मगर हमारा जो पीछे का जो रिस्ट है वो यहाँ का लिखा हुआ, यहाँ का लिखा हुआ को वो रब कर करके आगे बढ़ रहा है, तो अगर वो जल्दी से ड्राई नहीं होगा तो इसको वो स्प्रेड कर देगा, है ना, फाइन। तो इसीलिए बहुत डार्क ना हो, लाइट होता है ना बहुत अच्छा नहीं लगता है, जिसकी लिंक इंक लाइट होती है मजा नहीं आता उसमें, थोड़ा डार्क हो और जल्दी से ड्राई हो जाए, और ना उसको एग्जाम टाइम तक तो यूज करना, ठीक है। आपका जो 6 मंथ प्रिपरेशन है एक ही पेन को यूज करो, सही रहेगा। अब हम बात करते हैं, हम ऐसी बात क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ फिजिकल अपियरेंस से, अपने क्वेश्चन का आंसर बुकलेट का फिजिकल अपियरेंस से एग्जाम को कैसे, एग्जामिनर को कैसे खुश कर सकते हो, ये बात कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आप अच्छे से नहीं लिखते हो, गंदी राइटिंग में लिखते हो, अपना क्वेश्चन का आंसर बुकलेट को बहुत डर्टी वे में आपने प्रेजेंट किया है, तो एग्जामिनर जो है ना उस वो ना विदाउट एनी इमोशंस आपके आंसर को इवैल्यूएट कर रहा है, ठीक है, वो कुछ पेन नहीं लेने वाला है, हटाओ हटाओ, ठीक है। मतलब जैसे कोई कोई मूवी होती है ना, मन ही नहीं करता है उतने का, लगातार देखते रहो, और कोई कोई मूवी होती है, चलो थोड़ा झपकी ले लो, थोड़ा पॉपकॉर्न खरीद के आ जाते हैं, ठीक है।
एग्जामिनर को आप पूरा उसका अटेंशन दे लो, मतलब आपका क्वेश्चन का आंसर बुकलेट ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर का पूरा अटेंशन ले ले, कि हाँ वो पूरा फिनिश करे, बीच बीच में बातें भी ना करे, राइट। तो इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करने चाहिए, कभी भी बड़े सेंटेंसेस फ्रेम नहीं करने चाहिए। जैसे मैं ग्रामर के जो बैच है उसमें भी मैं स्टूडेंट्स को बताती थी कि स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करो, ठीक है। स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम करने से क्या होता है कि एग्जामिनर शुरू करेगा और तुरंत फुल स्टॉप आ जाएगा, तो एग्जामिनर को वो सेंटेंस की मीनिंग ग्रास्प हो जाएगी। मगर यदि लंबा सेंटेंस है और फुल स्टॉप आ रहा है बहुत आफ्टर 20-25 वर्ड्स, तो उस लंबे सेंटेंस में आपने कई कॉन्सेप्ट्स को स्क्वीज किया हुआ है, उसके अंदर घुसाया हुआ है कई कॉन्सेप्ट को, तो एग्जामिनर को उस एक लंबे सेंटेंस में कई कॉन्सेप्ट्स को एक बार में समझना होगा। क्यों एग्जामिनर का इतना, क्यों इतना परिश्रम करवा रहे हो एग्जामिनर से, इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? छोटे सेंटेंस लिखो, उस छोटे सेंटेंस में एक ही कॉन्सेप्ट लिखो, फन। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल मैं अभी संस्कृत का पेपर शेयर कर रही हूँ। अपने ग्रामर के बैच में भी मैं यही बताती हूँ कि छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करो। अब देखो लाई का लिखा है कि टेल्सन लाई, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इस सेंटेंस में? ग्रामर में भी जब जो मेक द सेंटेंस आता है उसमें भी छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करने चाहिए। इट वॉज हिज चॉइस टू वेयर ब्लैक शर्ट, द गंगा इज फिल्ड विथ रिफ्यूज, द प्रोडक्शन ऑफ राइस इज इंक्रीजिंग। छोटे छोटे सेंटेंस। अब क्या होता है, छोटे सेंटेंस फ्रेम करने से क्या एक फायदा होता है? एक तो फायदा बता दिया कि एक ही कॉन्सेप्ट आपने एक छोटे सेंटेंस में बता दिया, एग्जामिनर को तुरंत वो कॉन्सेप्ट ग्रास्प हो गया, ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होने की गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो अब बड़े सेंटेंसेस में आप बड़ा सेंटेंस फ्रेम करोगे तो आपको प्रेपोजिशन, आपको कंजंक्शन भी यूज करना पड़ेगा दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, तो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको यूज करने पड़ेंगे, तो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको ग्रामेटिकल रूल्स भी पता होना चाहिए, और मिस्टेक्स होंगे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर बहुत ज्यादा होंगे तो वो लंबे सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे, इसलिए छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करने चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, कैपिटल लेटर की मिस्टेक। अब जैसे ये डिसीजन इसने लिखा है, फाइन। अब आप देखिए द कैपिटल, सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, उसके बाद डिसीजन ये डी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। इसने ये डी को कैपिटल लेटर में, ये गलत हो गया। अगर इसने यहाँ पर इज की जगह, यहाँ पे दो गलतियां हैं, अगर इसने संस्कृत में इज की जगह हैज लिखा होता तब भी मैं इसमें मार्क्स नहीं देती, क्योंकि ये कैपिटल लेटर का मिस्टेक इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो स्टूडेंट जब आप लोग सेंटेंस लिख रहे हो तो कैपिटल लेटर की मिस्टेक नहीं करोगे, तो वो कैपिटल लेटर का जो रूल है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, डू नॉट मेक कैपिटल लेटर मिस्टेक्स। देखो ये वाला मैं पढ़ लेती हूँ। वन कॉन्सेप्ट कैन, मैंने बोला स्मॉल सेंटेंस फ्रेम करने के लिए वन कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सप्रेस इन थ्री और फोर स्मॉल सेंटेंसेस, डू नॉट ट्राई टू स्क्वीज द सेम कॉन्सेप्ट इन अ वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है। Do not make capital letter mistakes. Such mistakes are quite embarrassing. बहुत अच्छा नहीं लगता है and totally unacceptable. मैंने ये देखा है, इंडिया है तो इंडिया तो ये तो स्मॉल होगा कि ये कैपिटल होगा, कैपिटल होगा ना, मगर उसमें भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंडिया को ऐसे स्मॉल लिख देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, एनी न्यू सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, कोई भी सेंटेंस हो वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, फुल स्टॉप के बाद भी कैपिटल लेटर आता है, क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क कैपिटल लेटर मस्ट बी यूज, ठीक है। अब जैसे इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो क्वेश्चन आप लोग के बहुत आते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ ही सेड कॉमा दिया, ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा, जिसको डबल कोट्स भी कहते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर होगा, हमेशा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो द नेम, हाँ, उसके बाद कैपिटल लेटर कहाँ पर आएगा? स्टूडेंट जिसका भी नामकरण हुआ है वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। आपका खुद का नामकरण हुआ, मेरा नामकरण हुआ, तो जब भी मैं रश्मि लिखूंगी हमेशा आर कैपिटल होगा,
मतलब मैंने ये देखा है जैसे स्टूडेंट्स इंडिया को आई स्मॉल लिखते हैं, मैंने कहा अपना नाम लिख के बताओ तो बड़े मजे से कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं अपना नाम, ठीक है, मगर बेचारा इंडिया जो है उसको तो भाई स्मॉल कर देंगे, नहीं करना है ये तो, खैर बहुत ही खराब लगता है। फाइन एनीवे, जिसका भी नामकरण हो गया, कंट्री, पर्सन, रिवर, मंथ, जनवरी, ये सब नामकरण किया गया है ना, जनवरी, फेब, ये सारा कैपिटल, डे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारा कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्म कैंडिडेट राइटिंग इंडिया एज इंडिया व्हिच इज रियली शॉकिंग, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये एक्सेट्रा ये सब मत लिखना, एक ETC का मतलब होता है एक्सेट्रा, तो मैंने कहीं पे पढ़ा या किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम एक्सेट्रा का मतलब होता है द एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, जब थिंकिंग कैपेसिटी हमारी एंड हो जाती है ना तो हम फिर एक्सेट्रा लिखते हैं, मत यूज करो इसको, ठीक है। विज का मतलब होता है दैट इज, इसको भी मत यूज करो, ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं, मत किया करो। मुझे नहीं पता इससे पेनाल्टी मिलती नहीं मिलती है, मगर इससे पता चल जाता आपको अब आता नहीं है इसीलिए ये यूज कर रहे हो, राइट। ये सब तो खैर यूज कर ही सकते हो। अच्छा अब स्टूडेंट्स, एक ये इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और एक ये डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग कोई ऐसे स्टार्ट करते हो तो आप लोग कोई कोटेशन देते हो सेट बाय समबडी, है ना, कोई कोटेशन है जिसको किसी ने बोला है, तो वो जो डायलॉग है, वो कोटेशन इज अ डायलॉग, तो वो जो डायलॉग है वो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। तो फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या हुआ, जैसे एक कोटेशन है, द ट्रू सोल्जर फाइट नॉट बिकॉज ही हेट्स व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ हिम बट बिकॉज ही लव्स व्हाट इज बिहाइंड हिम, तो ये डायलॉग है, किसी ने बोला है, तो ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। और ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हो ना डायलॉग बोलने के लिए, इसका साफ मतलब है कि ये आपने नहीं बोला है, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आ गया तो ये आपकी कही हुई बात नहीं है, ये अंडरस्टूड हो जाता है। इसीलिए जब आप कुछ कोटेशन लिख रहे हो तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में दोगे, और अगर आपको नाम नहीं पता किसने ये बोला है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में दे दो, और फिर है ना आपको अगर इस कोटेशन को थोड़ा एक्सपैंड करना है तो आप लिख सकते हो इट इज पॉपुलरली सेड, इट इज स्टेटेड, ऐसे करके लिख दो, तो ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला गया है, सही है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास का मतलब ये आपकी कही हुई बात नहीं है। अब कहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करोगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हम तब यूज करते हैं जब कोई बुक का नाम आपको देना है, सपोज कोई स्कीम है, और वो आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में आप लोग ऐसे लिख रहे हो, तो आप लोगों को लिखना है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान आप इंग्लिश में ही लिखोगे ना ऐसे, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, मगर ये हिंदी है मगर इंग्लिश में लिख रहे हैं आप, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे। वैसे ही हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी में लिख रहे हैं मगर कुछ इंग्लिश में लिखना है उनको, ठीक है, जैसे मैंने देखा है WHO UNO, ये हिंदी में भी लिखा जाता है, तो उसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दे दो, फाइन। जैसे कोई जैसे हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ इटैलिक्स में दिया रहता है ना, तो आप देखोगे वो इटैलिक्स में जो दिया है इधर इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी वाला इटैलिक हो जाता है, हिंदी वर्ड इटैलिक में देते हैं इस तरह से, तो वो सिंगल में चला जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, फाइन। योर एग्जाम एसोसिएटेड एंगजाइटी, अब एंगजाइटी की बात हो रही है, उससे आपके आंसर स्क्रिप्ट जो है ना वो और खराब हो जाएंगे, तो इसीलिए अपने आप को काम रखो, कंपोज, और कोई अगर क्वेश्चन आपको लगे कि आपके कॉम्प्रिहेंशन लेवल से, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से बियॉन्ड में है तो तब भी लिख लो, ताकि और रेलिवेंट लिखने की कोशिश करो, ठीक है, किडिश मत लिखना, तो पता चल जाएगा, एक एटलीस्ट क्वेश्चन का आंसर बुक से पता होना चाहिए कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, फाइन। अब देखिए एग्जाम के वक्त ना एंजाइटी तो एक नॉर्मल सी बात है,
मैं एमएड का एग्जाम देने गई थी जामिया मिलिया इस्लामिया में, ठीक है, तो इस एमएड का एंट्रेंस एग्जाम, ओके, एडमिशन के लिए, तो रिटन एग्जाम फिर इंटरव्यू होता था, तो मैं प्रिपरेशन मैंने किया था, तो मैंने पूरा बीएड का प्रिपरेशन किया था। एमएड में बीएड वाला क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैंने बहुत एसेज, मैंने ना रट्टाफाई करना मेरी बहुत अच्छी, मतलब मेरे को बहुत अच्छा आता है रट्टाफिकेशन करना, तो मैंने ना बहुत सारे एसेज जो आने के चांसेस थे मैंने उसको बहुत अच्छे से रट किया, करीब मैंने 25-30 एसेज तैयार किए थे और मैंने अच्छे से उसको रटा था, ठीक है। इसमें से कुछ तो फंसना ही है, ये मैं एकदम 200% श्योर थी। मैं एग्जाम देने गई, क्वेश्चन पेपर देखा, दो ही ऐसे था, नो ऑप्शंस, और दोनों ऐसा ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में जो मैंने तैयार किया था 25-30 ऐसे, उसमें से नहीं आया था। ट्राइबल एजुकेशन के बारे में आया था कि ट्राइबल पीपल को कैसे एजुकेट किया जाए, ये एक ऐसे क्वेश्चन मुझे याद है और एक मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ट्राइबल एजुकेशन पे था और मुझे बस हल्का फुल्का पता था क्योंकि बीएड में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, मगर मैंने ऐसे नहीं तैयार किया था उसका, तो अगर वो ही ऐसे आ जाए तैयार तो बस ऐसे लिख दो एकदम बहुत अच्छे से। जब मैंने ऐसे देखा तो मुझे लगा चलो बाकी क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, बाद में इसमें आएंगे, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो पूरा खत्म हो गया था। फिर मैं जब मैं ऐसे में आई तो मैंने कहा ऐसे भी नहीं होने का है, वैसे भी नहीं होने का है, जो ऐसे आया है वो तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, तो चलो मजे में लिखो, ठीक है। तो मैंने पूरा एग्जामिनेशन हॉल को अच्छे से देखा, मेरा सभी लिख रहा है, मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी कि मेरा नहीं होगा। फिर मैंने एकदम रिलैक्स किया अपने आप को, आई टुक 2 मिनट्स टाइम टू रिलैक्स माई सेल्फ, मैंने अपने आप को रिलैक्स किया कि मुझे अटेम्प्ट तो करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी थी मुझे ट्राइबल एजुकेशन के बारे में और एक जो ऐसे क्वेश्चन था, मैंने बस लिख लिया और मेरा वो रिटर्न क्लियर हो गया, और इनफैक्ट इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया था, मगर तब तक मैंने राजस्थान में एडमिशन ले लिया था वनस्थली में। मगर तब मुझे एहसास हुआ कि अगर हम कोई भी चीज एकदम रिलैक्स होके करते हैं, खुश होके करते हैं, वो चीज हमें तो हमें ना आउटपुट मिलता है। जैसे आई डोंट लाइक कुकिंग, मुझे कुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, आता है मुझे कुकिंग करना मगर मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन किचन एक्चुअली, ठीक है। मगर किसी बात पे अगर मैं खुश हूँ, किसी चीज को लेकर खुश हूँ, और तब मैं किचन में जाती हूँ ना, तो जो मैं बनाती हूँ वो अच्छा बन जाता है। मगर मैं वही डिप्रेस होके, यार यही किचन यही गैस, ओह करना पड़ेगा, तो वो खाना वो अच्छा नहीं बनता है, राइट। तो मैं आपको यही, अगर आप चाहते हो कि आपको आउटपुट अच्छा मिले, तो वो चीज जहां पे आपको लगता है कि आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ रही है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, मेरे को होने का नहीं आ रहा, नहीं होने का तब भी मजा आ गया, फिर तो लिखो फिर तो। फिर आई मीन जैसे सोल्जर्स हैं, हारने वाले भी हैं, नहीं ना लड़ के मरेंगे, पीछे हट के नहीं मरेंगे, ये वो वाली चीज आपने होनी चाहिए कि नहीं, वी हैव टू फाइट। सामने रिजल्ट दिख रहा है नेगेटिव है, नहीं, मगर मैं इसको लिखूंगा अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखूंगा, अपना पूरा यू नो पूरा सोल, जिसको बोलते हैं हार्ट एंड सोल देना उस आंसर में दूंगा मैं, देखेंगे होगा कि नहीं। ये चीज, ये स्पिरिट अगर आप में होगी ना, जो मैंने अपने में किया हुआ है अप्लाई, तो आपका ना रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन से आप मिलते हो, क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है छोड़ दो एक बार के लिए, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लास्ट में फिर उस क्वेश्चन पे आओ, अच्छे से समझने का कोशिश करो। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हो आप, तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, आप टोटली अनफेमिलियर नहीं हो सकते हो 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, ओके, नहीं हो सकते हो। जैसे मैंने ऐसे नहीं तैयार किया, मगर सिंस मैं पढ़ के गई थी, प्रिपरेशन करके गई थी, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, तो मैंने लिख लिया, वही चीज आपको मैं बोल रही हूँ, राइट। तो ऑल इन ऑल आपका जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, उसको देखकर एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि ये सीरियस है इस एग्जाम के लिए, उसको वाकई में उसको एक पैशन है एसी बनने का, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम
जो यहाँ हमने जो बात की है वो है कि क्वेश्चन का आंसर बुकलेट है उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करें जिससे वो एग्जामिनर फ्रेंडली लगे। राइट, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।